हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज दोपहर का खाना मेरे घर में ख़त्म हो गया है और भूख भी काफ़ी तेज़ लग गया है, तो इसीलिए आज बनाना पड़ रहा है छिलका रोटी, जो जल्दी थोड़ा बन जाता है इसीलिए उसी को बनाएंगे। तो दोपहर का खाना के रूप में ही छिलका रोटी को खाना है। आज खाना ख़त्म हो गया है तो अब बनाते हैं उसको जल्दी जल्दी। तो चलिए, तो दोस्तों अभी आटा निकाल लिए हैं और आटा तो निकाल लिए हैं तो अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसमें चीनी डालेंगे, चीनी का बनाना है। तो चलिए डालते हैं चीनी। तो दोस्तों चीनी डाल रहे हैं, चीनी लगा है आटा में, तो चींटी लगा है, चीनी में चींटी लगा था तो उसको निकाल ले रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। चलिए इसमें पानी डाल ले रहे हैं। तो दोस्तों घोल बन चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों तेल को चारों तरफ फैला ले रहे हैं ताकि रोटी सटे नहीं ऐसे में, क्योंकि एक जगह फिर जमा हो जाएगा तेल तो फिर उससे में रोटी साइड साइड में सट जाता है। घर में तो कोई नहीं है तो अकेले बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं, भूख लगा है तो अब थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग गया है। तो दोस्तों रोटी बनने की छनछनाहट आप सुन सकते हैं, पूरा फैल गया अभी रोटी, देख सकते हैं। तो दोस्तों रोटी अभी पक रहा है, छिलका रोटी तैयार हो रहा है अभी। जीवन में पहली बार बना रहा है छिलका रोटी, अब देखते हैं कैसा बनता है, खाने में भी कैसा लगता है। ये आटा वाला छिलका रोटी है, थोड़ा पकने के लिए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पकेगा तभी तो अच्छा लगेगा खाने में, नहीं तो फिर कच्चा कच्चा लगेगा खाने में भी। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं पका है कि नहीं, ढके से खारी से। लगता है कि रोटी चिपक गया है तो अब इसको थोड़ा सा छोड़ाना पड़ेगा, नहीं तो चिपक जाने पे फिर नीचे का भाग जो है इसका जल जाएगा फिर, नहीं तो। रोटी चिपक भी गया है थोड़ा सा और नीचे भी गिर गया, देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं रोटी अभी पलट गई है और नीचे साइड तो जल गया है रोटी, थोड़ा सा जल भी गया है। तो दोस्तों चौमीन तो पहले बनाए हैं हम, लेकिन पहली बार छिलका रोटी बनाए हैं, बना रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा ऊपर का भाग जो है वो जल गया है।
थोड़ा सा नीचे का भाग भी सेक ले रहे हैं ताकि रोटी कच्चा ना रह जाए, नहीं तो खाने में भी बढ़िया नहीं लगेगा, फिर कच्चा कच्चा ही लगेगा। तो दोस्तों पहला रोटी मेरा पक गया है और अब इसको रखने जा रहे हैं, इसको ऑफ कर देते हैं अभी। तो दोस्तों अभी दूसरा रोटी बनाने के लिए जा रहे हैं अभी हम। डाल लिया दूसरा रोटी, अब थोड़ा सा चारों तरफ फैला देते हैं ताकि थोड़ा ऐसे में रोटी पतला हो जाएगा तो अच्छा पकेगा। फिर इसको भी ढक दिया दोबारा। दोस्तों ये रोटी को भी पलट लिए हैं, एक साल पर गया दूसरा साल पका रहे हैं। इसको भी पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं 20-30 सेकेंड ताकि दूसरा साइड भी अच्छा से थोड़ा पक सके। तो दोस्तों मेरा दूसरा रोटी भी पक चुका है बढ़िया से। तो दोस्तों मेरा सब रोटी पक चुका है, ज़्यादा नहीं 4-5 को रोटी है, बस इतना ही दोपहर में खाएंगे, बाकी बात तो रात में फिर बनेगा खाना। देख सकते हैं पूरा रोटी बन चुका है, बन के रेडी है और अब इसको खा करके देखते हैं कि कैसा बना है सब, क्योंकि पहली बार बनाया भी। दोस्तों शुरू करते हैं खाना, चेक करते हैं थोड़ा। सही बन रहा है दोस्तों, बस थोड़ा सा चीनी कम है, चीनी हल्का सा और रहा था तो सही लगता खाने में। ये दोपहर के लिए बना है जल्दी जल्दी में मुझे, लेकिन सही है। 5 रोटी है तो ये तो अब हो गया मेरा दोपहर के खाने लायक। अब तो खाना रात में तो बनेगा ही, तो फिर उसको तो खाएंगे, क्योंकि भूख काफ़ी तेज लग गया था एकदम। सुबह जल्दी खाया था खाना, 8 बजे जैसा मैं खा गया खाना तो भूख थोड़ा सा जल्दी लग गया था, वो अभी दोपहर में ही जल्दी भूख लग गया और तो बना भी लिए और खा भी रहा हूँ। ये आटा से बना हुआ छिलका रोटी है, इसमें चीनी डाल के बनाए थे, कोई कोई नमक डाल के बनाता है, कोई थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के बनाता है, तो हम उतना नहीं किए, हम चीनी डाल के इसको बनाया, थोड़ा सा मीठा किए इसको खाने में बस। मतलब एक सब अपना अपने तरीका से बनाता है, जिसको जो अच्छा लगता है, हमको ये वाला अच्छा लगता है चीनी वाला तो हम इसको ही बनाया, बाकी बात तो सब अपना अपना तरीका से बनाता है। फिर इससे अच्छा वो लगता है जो चावल से बनता है, आड़वा चावल से छिलका रोटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें कुछ नहीं डालता है, ना नमक ना चीनी कुछ नहीं डालता है, वो बस ताज़ा रहता है, उसको खाने में और मज़ा आता है और अच्छा लगता है, और उसका टेस्ट भी जो है वो अलग है। तो फिलहाल तो जैसा भी है पेट को भर गया मेरा तो दिक्कत नहीं है, तो काफ़ी भूख लग जाता है फिर दिक्कत हो जाता है, नहीं तो बाद में फिर समोसा खाना पड़ता, लेकिन समोसा एक दो खाने से पेट भी नहीं भरता है, इसीलिए सोचा कि अपना बना ही लेते हैं घर में छिलका रोटी, और बाहर का कितना खाएं अभी, डेली डेली खाते हैं तो सोचा कि आज
कोई नहीं है घर में तो बना लेते हैं खुद से ही, थोड़ा ट्राई भी कर लेते हैं कैसा बना पाते हैं कैसा नहीं बना पाते हैं। लेकिन जैसा सोचे थे उससे तो अच्छा ही बनना है, रोटी खराब भी नहीं, हल्का सा बस हल्का सा जला है, सेकेंड जो रोटी था हल्का सा जला हुआ था रोटी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो गाँव के लोग हैं तो खा ही लेंगे, उसमें क्या है। तो दोस्तों खा करके हाथ उसको धो लिए और पेट भी भर गया और पानी भी पी लिए, तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, पेट भरा भरा भी लग रहा है खा करके, पानी भी पी लेने पे तो और अच्छा ही है, जो बच्चा कुछ खा ले सकें उसको पानी भर दिया फिर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो ब्लॉग आपको कैसा लगा होगा कॉमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।